वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। हां जी, ये जो पहला बीज मंत्र है इसका शुद्ध उच्चारण करना है जिस तरह किया गया है। पहला उच्चारण करना है एक, फिर बोलना ओंकार। अगे है सत नाम, ये भी सतनाम नहीं कहना है, कई इकट्ठा ही बोल जाते हैं सतनाम। जिहड़ा सत पद है ये थोड़ा जा कस के उच्चारण करना है, सत नहीं कहना है, सत नाम। करता पुरख ये भी वक्रे वक्रे पद उच्चारण करने हैं, करता वक्रा बोलना है, पुरख वक्रा बोलना। निरभौ निरवैर ये भी निरभौ वक्रे वक्रे नहीं बोलने पद, ये पद इकट्ठा ही बोलना है। निरभौ निरवैर, कई निरभौ कह जाते हैं, भब्बे हूड़ा ला देंगे हैं, पर भब्बा ऊड़ा बंद मूह वाला है, थले औंकड़ लगी है, इहदा उच्चारण है निरभौ निरवैर। अकाल मूरत, कई तत्ता छड़ जाते हैं, अकाल मूर्त कह देंगे हैं, शुद्ध तत्ता उच्चारण करना है, शुद्ध पद उच्चारण करना है, अकाल मूरत। अजूनी सह भंग, अजूनी वखरा बोलना है, कई अजूनी सह बोल जाते हैं, अजूनी सह भंग उच्चारण कर देंगे हैं, अजूनी वखरा बोलना है, सह भंग इकट्ठा कहना है, सह भंग नहीं कहना है, सह भंग जा कई गग्गा ला देंगे हैं, सह भंग कह जाते हैं, ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है। उच्चारण करना है अजूनी, फिर बोलना है सह भंग, जूना दे विच नहीं आउंदे हो, अते सह पंकी सुते प्रकाश हो वाहिगुरु जी। गुर प्रसाद, मुख पाठ संप्रदा दे विच गुर वखरा कराया जांदा है, अते प्रसाद वखरा कराया जांदा है, दूसरा गुर प्रसाद पाठ भी है। गुर दा अर्थ है चैतन स्वरूप हो, प्रसाद दा अर्थ है आनंद स्वरूप हो वाहिगुरु जी। और प्रसाद दा जिहड़ा उच्चारण है ये पप्पे दे हेठां चरणा च रारा है, इसका उच्चारण प्रसाद करना है। फिर आप जी गुरबाणी च जो दर्शन करोगे बहुत थावां ते रारा पूरा भी आउंदा है, उसका उच्चारण है प्रसाद। हेठां रारा जिहड़ा बोलना है उसनू कहना है प्रसाद, शुद्ध उच्चारण है गुर प्रसाद। जप, जप पद जिहड़ा है ये भी कई जप कस के बोल जाते हैं, उच्चारण पोला ही करना है जप, यानी जपने योग हो वाहिगुरु जी, आप जी नू जपना चाहिए है, जप बाणी का नाम है। आद सच जुगाद सच, हां जी, सच भी कस के बोलना है, आद सच जुगाद पद भी थोड़ा जा कस के उच्चारण करना है, और जज्जा शुद्ध बोलना है, युगाद नहीं कह देना, कई यया ही ला देंगे, इसनू थोड़ा जा कस के बोलना जुगाद सच। है भी सच, है भी वखरा बोलना, भी भी वखरा बोलना, कई अनजान हैप्पी कह जाते हैं, पप्पा ला जाते हैं, पर वख शुद्ध उच्चारण है भी सच। नानक होसी भी सच, ये भी नानक पद ते यमक ला के उच्चारण करना है, नानक यानी थोड़ा जा रुक के, नानक होसी भी सच, भी सच नहीं कहना है, भी सच कोई पाठ नहीं है, होसी भी इत थोड़ा जा ठहरा दे के फिर नखेर के बोलना है सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवई, सोचै पद दे भी थोड़ा जा ठहरा, यमक ची ला के बोलना है, सोचै सोच नहीं कहना, सोचै सोच ना हो वही, नन्ना मुक्ता है, कई ना नन्ने कन्ना ला देंगे हैं, नन्ने मुक्ते का उच्चारण ना, जे नन्ने का कन्ना लावांगे तो एक मात्रा वध जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी, एक मात्रा है, इसका उच्चारण ना उच्चारण करना है। हो वही, कई हो भी कह जाते हैं, ईड़ी छाड़ी जाते हैं, उच्चारण करना है हो वही, सोचै
सोच ना होवई। जे सोची लख वार, लख थोड़ा जा दब के बोलना है, कस के उच्चारण करना है, वार वखरा बोलना है। जे सोची लख वार, लखवार नहीं कहना, लख वार। चुप चुप ना होवई, जे लाए रहा लेवतार, शुद्ध है, चुप चुप न होवई, इति विश्राम है। जे लाए रहा लेवतार, ये लाए दा उच्चारण शुद्ध करना है, लाए ला नहीं ला देनी है, लल्ले दे कन्ने नू बधा देना, पीरी दे वाज छड़नी है, लाए। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया पार, भुखिया इथे भी यमक, भुखिया भुख ना उतरी, इथे विश्राम। जे इथे यमक, बन्ना पुरिया पार, ये बन्ना पद जेड़ा है भारा उच्चारण करना, बन्ना नहीं कहना है, जिस तरह महाराज साहब दे वचन हन, परमेश्वर दिता बन्ना, उत्थे बन्ना है, बन्ना दा अर्थ है पुत्र, इत्थे बन्नन दा वाचक है, थोड़ा जा भारा बोलना है। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया भार, सहस स्याणपा लख होहे, ता एक ना चले नाल, ये भी उच्चारण सहस ही करना है। अजकल जेडे नवीन विद्वान हन ओ सहस करान लग पए हन, पर संप्रदा दे विच ये उच्चारण सहस ही कराया जांदा है, इस करके सहस ही बोलना है। कई कहंदे ने दलावां लग जांदियां हन, दलावां दा फिर सहस ते लगदियां हन, उच्चारण करना है सहस स्याणपा लख होहे, होहे दे ला नहीं ला देनी, सिहारी लगी हुई है, हाहे दे होड़े नूं वधा देना है, अगले हाहे ते जदों असीं आवाज सूखम रूप विच छड्डांगे तां सूखम रूप विच सिहारी लग जांदी है, जिवें होहे सोहे मोहे खोहे, ये सिहारी दा उच्चारण है, ला दा उच्चारण है होहे मोहे सोहे खोहे। सहस स्याणपा लख होहे, ता इक, ता मुक्ता ही अखर है, इनू ता नहीं कहना जा ता नहीं कहना है, ता इक न चले नाल, केव सत्यारा हुई है, केव कूड़ा टुटा पाल, दोवे जेड़े केव पद हन इना ते यमक ला के उच्चारण करना, केव सच्चियारा हुई है, केव कूड़ा टुटा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ए नानक पद ते भी यमक ला के बोलना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, सारे हुक्मी पद ते यमक ला के बोलना है, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, ए हुक्म ना इस्थे नहीं रुकना, हुक्म ना कहया जाई, कहया बोलना है, कई क्या ही कह जांदे हन, जो बिल्कुल अशुद्ध उच्चारण है, कहया रहया बहया, इस तरह इन्हां पदां दी मेहनत करके फिर शुद्ध हो जांदा है उच्चारण। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, ए जी कई जिया ही बोल जांदे हन, एड़े कन्ना ला दिंदे हन, जा जी बोल जांदे हन, एड़ा छड्डी जांदे हन, इहदा उच्चारण है जी एड़ा मुक्ता, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईए, ए नीच पद दे विश्राम है, हुक्मी उत्तम नीच इथे विश्राम है, हुक्म लिख इथे ठहरा दे के थमक ला के बोलना है, हुक्म लिख दुख सुख पाईए, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, हुक्म अंदर सब को, अंदर पाते थोड़ा जा ठहरा दे के
हुक्मै अंदर साब पब्बा जिहड़ा है सब नहीं कह देना है ससा पब्बा साब ससा पब्बा साब तत्ते ओंकड़ जज्जा तोज तत्ते ओंकड़ झज्जा तोज यानी ये पद जिहड़े जज्जा झज्जा गग्गा कग्गा दद्दा तद्दा बब्बा पब्बा इन्हां दे उचारणा विच फर्क है। बब्बा जिहड़ा है वो पोला बोलिया जांदा है पब्बा थोड़ा भारा बोलिया जांदा है। इस तरह इहदा उचारण है हुक्मै अंदर साब को बाहर हुक्म इत्थे थोड़ा जा ठहरा देना है बाहर हुक्म हुक्म तो बाहर ना कोई नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कहै ना कोई ए भी नानक पाते यमक ला के नानक हुक्मै जे बुझै बुझै पद जिहड़ा है ए कस के उचारण करना है समझन दा वाचक है। गावै को तौण हुआ किसै ताण ए किसै पद जिहड़ा है इनु किसै नहीं कहना है किसै पूला ही उचारण करना है। गावै को ताण हुआ किसै ताण गावै को दात जाना निशान ए मुख रूप दे विच विश्राम को ते ही लाउणा है कई दात ते विश्राम लाउंदे हन पर मुख रूप दे विच संपर्दा दे विच को ते विश्राम लवाया जांदा है। गावै को दात जाना निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार जिहड़ा विद्या है इसनु कस के बोलना है विद्या नहीं कह देना विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह ए भी जिहड़ी पंक्ति है शुद्ध उचारण करनी है कई तनखेह कह देंदे हन यानी दोवां पदां नूं इकट्ठा कर देंदे हन कई करेतन बोल जांदे हन ए जिहड़े पिछले चार पद हन ए नखेर के पढ़े जाणगे तां ए शुद्ध उचारण होएगा। गावै को इत्थे विश्राम है फिर बोलना साज करे तन खेह इस तरह खेहो ए ओंकड़ नहीं ला देना खखे ला दीर्घ वधा के हाहा मुक्ता है खेह देह सेह ए उचारण है दोवें पंक्तियां दे विच गावै को जी लै फिर देह ए भी फिर देह नहीं कह देना लै फिर कठा नहीं कह देना ए शुद्ध बोलना है। गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिशा दूर दिशा पूला ही बोलना है गावै को जापै दिशा दूर गावै को वेखै हादरा हदूर हादरा ही उचारण करना है जिस तरह उचारण किया गया कई हादरा कह देंदे हन धद्दा ला देंदे हन गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट ए भी कथना पाठ कठा ही करना है कई बार अपनी लय चाल नाल जदों पाठ करदे हन फिर बोलदे हन कथ ना कथी ना आवै तोट कथ ना वखरा हो जांदा है बोलना कठा ही है कथना कथी इत्थे विश्राम है याद रखन वाला विश्राम है कथना कथी ना ते नहीं लाउणा है कथना कथी इत्थे विश्राम है ना आवै तोट बेंता ने उस वाहिगुरु जी दी कथा दा कथन कीता पर ना आवै तोट उसकी कथा दा उसकी महिमा दा उसकी जस दा कोई तोटा नहीं आउंदा है अंत नहीं आउंदा है। काथ काथ कथी कोटि कोट कोट ए काथ काथ कथी पोले ही पद बोलने हन कथ कथ कथी इस तरह नहीं बोलना काथ काथ कथी कोटि कोट कोट देदा दे लदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे ए भी जुगा पद जिहड़ा है थोड़ा जा कस के उचारण करना है फिर अगला जिहड़ा जुगंतर है ए भी थोड़ा जा कस के बोलना है जुगा जुगंतर खाही खाहे ए खाहे पाहे लावा नहीं लाउणियां सिहारी बोलनी है पाहे खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राह हुक्मी पद ते विश्राम लाउणा है हुक्मी हुक्म चलाए राह
नानक विगसा विपरवाह इवी वेपर रारे तो नहीं तोड़ना है, वावे तो डैश दे के लमका के उचारण करना है, पाठ कठा ही है। वे प्रवाह ओंकड़ भी उचारण करना है, वे प्रवाह हुड़ा नहीं बोलना है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साचा साहेब साच नाय पाख्या भाव अपार, ये भाव उचारण करना है, कई भाव बोल जाते हैं, भाव उड़ा बंद मूह वाला है, भाव अगर उचारण करांगे उड़ा खुले मूह वाला उचारण होंदा है, भावो जाओ खाओ पाओ, बंद मूह वाले उड़े का उचारण है भाव, कन्ना बता देना भाव जाओ खाओ पाओ। साचा साहिब साच नाय पाख्या भाव अपार, आख मंग देह देह दात करे दातार, ये मंग है पद का उचारण शुद्ध गगे गगा विच है, कई मंग है कह जाते मंगा ला जाते हैं, मंग है गगा शुद्ध उचारण करना है, आख है मंग देह देह दात करे दातार, फेर के अगे रखी है जेत दिसै दरबार, ये भी फेर पदते यमक ला के उचारण करना, फिर कक्के दे सहारी लगी हुई है के उचारण करना, कक्के सहारी के नहीं कह देना ला ला के, फिर के अगे रखी है इथे विश्राम, जेत दिसै जेत पोला बोलना, दिसै भी पोला बोलना, दरबार मोहा के बोलन बोली है, ए पद जेड़ा है ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਮੇ ਦੇ ਦਲੈਂਕੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਹੋ ਹਾਹੇ ਹੂੜਾ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਦ ਹੈ ਮੰਮੇ ਔਂਕੜ ਹਾਹੇ ਕਨੌੜਾ ਹੈ, ਮੂਹਾ ਮੰਮੇ ਔਂਕੜ ਮੂੰਹ ਹਾਹੇ ਕਨੌੜਾ ਹਾ, ਮੂਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, मुहा के बोलन बोली है, जेता सोना तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ, अमृत नहीं कहना है, एड़े उत्ते टिकती है, मम्मे दे हेठा चरना च रारा है, अमृत एड़े उत्ते टिकती, अमृत पद पूला बोलना है, अमृत वेला पूला बोलना है, वेला नहीं कह देना, जे वेला कह दईए तां उहदा अर्थ जंगल बन जांदा है, अमृत वेला सच नाव, वड्डे आई विचार करनी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिए सब आपे सचियार, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए, ये आपे आप इतने विश्राम है, निरंजन जज्जा जेड़ा है इन शुद्ध बोलना है, थोड़ा जा जज्जे नू कस के बोलांगे ता ये शुद्ध बोलिया जाएगा, नहीं ता यया बोलिया जाएगा, निरंजन आपे आप निरंजन सोए, जेन सेवया तेन पाया मान, इसी तरह ही जेन अति तेन दा उचारण करना है, क्योंकि बाणी दे विच ये वखो वखरे रूप दे विच आउंदा, इत्थे उचारण करना है जेन सेवया तेन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए पद ते विश्राम लाउणा है, थोड़ा जिहा नखेर के इसी तरह ही बोलना है, नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए नाना ला की सुनिए, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, रखिए थोड़ा जा कस के बोलना, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर लै जाए, पर हर पाठ इकट्ठा ही करना है, दुख पर हर सुख घर ये संबंधक पाठ है, घर लै जाए नहीं कह देना है,
सुख घर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। नादंग वेदंग इस तरह उच्चारण करना, गगे नहीं लादने, नादंग वेदंग इस तरह नहीं। गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई। गौर ईश्वर गौर गोरख बर्मा गौर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। ये भी जे हो नहीं कहते ना, हाही हुड़ा ला के जे वखरा कहना है। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई। गुरा पद से बिंदी लानी है, गुरा ही उच्चारण करना है। गुरा एक देह बुझाई, बुझाई पद जिड़ा है एक कस के बोलना है, बुझाई नहीं कहना है। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। ये भी कायक नहीं बोल जाना है, कई सबना जिया कायक दाता बोल जाते हैं, पर ध्यान नाल उच्चारण करना है। सबना जिया का इत थोड़ा जा ठहरा ठमक जी ला के, एक दाता इत विश्राम है। सो मैं नहीं कह देना भी वो दाता मैं हाँ, सो पद से यमक ला देनी है। सो मैं विसर ना जाई, वो मैनू भुल ना जावे जो सारे जीवां दा दाता है वाहिगुरु। तीरथ नावा जे तिस पावा। भी नावा पद जो है भारा उच्चारण करना है, नावा नहीं बोलना है। जे तिस कठा नहीं कह देना है, जे नू नखेर के पढ़ना है। तीरथ नावा जे तिस पावा। विण पाणे के नाय करी दे। हाँ, नाय करी। जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिला लई। इसी तरह ही बोलना है के मिला लई। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। ये भी शुद्ध उच्चारण करना है। मत विच इथे ठमक है, फिर बोलना है रतन जवाहर माणिक। नाणे नु सियारी लगी हुई है, माणक नहीं कह देना। रतन जवाहर माणिक इथे विश्राम है। जे एक गुरकी नहीं कह देना, आम गुरकी पढ़ जाते हैं, जेडे पाद हैं इन्हां नु वखरा पढ़ना है। गुर जे जप जी साहब का पाठ शुद्ध हो जाए फिर सारी संथिया सारी गुरबाणी शुद्ध हो जाती है। इस करके गुरकी नहीं कहना है। जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा। जे पद से यम के ला के बोलना, जे जुग चारे आर जा। होर दसूनी होए नवा ठंडा विच जानी है नाल चले सब कोई। नाल चले सब कोई। चंगा नाव रखाए कै। रखाए कै जिहड़ा पाठ है संबंधक पाठ करना है, रखाए दे ला नहीं ला देनी है। रखाए कै चंगा नाव रखाए कै। जस कीरत जग ले। जग ले नहीं कह देना है, जग ले लल्ले ला ले। ईड़ी दे सिहारी भी लगी हुई है, इहदा उच्चारण है ले, इस तरह बोलना है। जे तिस नजर न आवई तवात न पुछै के। तवात कठा नहीं कहना, तवात न पुछै के। वात वावे नाल बोलना है, कई बात ही बोल जांदे ने, बब्बा नहीं हैगा, वावा बोलना है। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे। ये भी नानक पद ते यमक जरूर ला के बोलना है। नानक निर्गुण नहीं कह देना, नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंतिया गुण दे। हाँ जी, गुणवंतिया गुण दे। ये भी गुण दे कठा नहीं बोलना है, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे।
इसे तरह ही उचारण करना है तेहा को ना सुजई इथे विश्राम है अगे आ गया जे जजे सिहारी दे नाल जे ते सुगुण कोई करे इसका उचारण सिहारी नाल ही करना है। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ ये भी सुनया उचारण करना है। कई सुनिए बोल जाते हैं जिन्होंने संथ्या नहीं की होंगी इस करके सुनया एड़े गलावां दे नाल बिंदी भी नहीं लानी है सुनया इत्थे विश्राम है। सिद्ध पीर सुरनाथ इस तरह बोलना है सुरनाथ कट्ठा नहीं कहना है। सुने धरत धवल आकाश आकाश ये वखरा नहीं बोलना ये पद कट्ठे ही बोलने आकाश दातार विचार ये कट्ठे बोलने हैं। सुने दीप लो पाताल कन्ने ला के ही बोलने हैं आकाश नहीं कहना आकाश इसी तरह पाताल। सुने पोह न सकै काल सकै सुने पोह न सकै काल नानक भगता सदा विगास भगता जिहड़ा पद है ये तत्ते नाल बोलना है कई भगता कह जाते हैं धड्डा ला जाते हैं नानक पद ते विश्राम है नानक भगता सदा विगास। सुने दुख पाप का नास ये भी ध्यान नाल उचारण करना है सुने दुख पाप का नास का दा संबंध नास नाल नहीं करना है पाप पद दे नाल संबंध करना है सुने दुख पाप का इत्थे थोड़ा जा ठहरा दे देना है फिर बोलना नास ये चारे पौड़ियां दे विच इसी तरह ही उचारण करना है। सुने ईसर बर्मा इंद सुने मुख सालाहन मंद सुने ये सालाहन दोवे कन्ने ला के बोलना मुख सालाहन मंद सुने जोग जुगत तन भेद जुगत जोग जुगत तन भेद ये भी ध्यान रखना जिथे दो तत्ते आ जान दो कक्के आ जान कई बार तीन भी आ जाते हैं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ ਜੁਗਤ ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ ਇਹ ਸਿਮਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮੰਮੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਰਾਰਾ ਤੱਤੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਿਮਰਿਤ ਜੇ ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਰਾਰਾ ਹੈ ਤੱਤੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਚਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਿਮਰਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੱਸੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਰਾਰਾ ਹੈ ਤੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਮ੍ਰਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੱਸੇ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਮੰਮੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਰਾਰਾ ਤੱਤੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਿਮਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਮਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਮੰਮੇ ਦੇ ਰਾਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤ ਰਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦਾ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਮਰਿਤ ਸੱਸੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮੰਮਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੇਤ ਸਿਮਰਿਤ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ दुख पाप का नाश वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।